उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज्यादा है, निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। लेकिन उस समय दिल्ली की कुख्यात मार्केट हुआ करती थी पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीजें और मिलती थी। और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं 12वीं क्लास के दो बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे, लड़का है, इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया। और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने दोस्त को शेयर कर दिया, ये कहे कि किसी और को दिखाना मत। जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में, हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया, नए नए फोन आए थे, पर वो फोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फोन, तो फोन से कितना फैलता, ज्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की कुख्यात मार्केट हुआ करती थी पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करते थे। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीजें और मिलती थी वहां, जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहां मिलती थी ग्रे मार्केट में चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहां से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविजन चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 2400 घंटे इस खबर पे, इस चीज पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं, इसके लिए बहुत चिल्लपोनी मचानी चाहिए, बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं, वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 2400 घंटे न्यूज चैनल से कैमरे खड़े रहे, घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंट है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं, मैं से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको।